शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी ने हिंदू धर्म अपनाया, नाम बदलकर रखा जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का आजमगढ़ दौरा, 23 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, आजमगढ़ में एयरपोर्ट बनने से दिल्ली मुंबई में काम करने वाले एक घंटे में अपने घर पहुंच जाएंगे। प्रयागराज में लगे बीजेपी के होर्डिंग, पोस्टर्स पर राम मंदिर के नाम पर मांगे जा रहे हैं वोट। पोस्टर्स पर रामलला का टेंट और भव्य निर्माण की तस्वीरें दिखाकर इसका श्रेय बीजेपी ले रही है। समाजवादी पार्टी ने इस पर सवाल उठाए, बीजेपी ने कहा तो गलत क्या है। बीजेपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में बाबा साहेब अम्बेडकर को श्रद्धांजलि दी। कहा, कुछ लोगों ने आपातकाल के दौरान संविधान को रौंदने का काम किया। एसपी की सरकार में अनुसूचित जाति और पिछड़ों की जमीन पर कब्जा किया गया। अंबेडकर जयंती पर बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने कहा, देश में ऐसी जातिवादी पार्टियां भी जो अंबेडकर के खिलाफ रही हैं पर दिखावटी प्रेम में अब उन्हें याद करती हैं। मायावती ने कहा, इस बार यूपी में 2007 से भी मजबूत सरकार बनेगी। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि बाबा साहेब का इस्तेमाल करने की कोई बीएसपी की रजिस्ट्री नहीं है। पार्टी को गहन चिंता करना चाहिए कि आखिरकार लोग छोड़कर क्यों जा रहे हैं बीएसपी को। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर संसद भवन परिसर में श्रद्धांजलि कार्यक्रम, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री मोदी ने पुष्पांजलि अर्पित की। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर समाजवादी पार्टी की बड़े कार्यक्रम की तैयारी है। आज सभी जिला मुख्यालयों पर पार्टी कार्यकर्ता मनाएंगे अंबेडकर परिनिर्वाण दिवस। एबीपी न्यूज सी वोटर के सर्वे में मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ अब भी जनता की पहली पसंद। पिछले हफ्ते के मुकाबले अखिलेश का ग्राफ 2% गिरा। सीएम योगी ने चंदौली को करोड़ों की सौगात दी है, विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ जातिवाद और भाई भतीजावाद के नाम पर पूरी जाति को बदनाम किया। यूपी के श्रावस्ती में चुनावी होर्डिंग को लेकर बवाल है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नगरपालिका कर्मचारियों पर लगाया अखिलेश यादव का पोस्टर फाड़ने का आरोप, जमकर किया हंगामा और नारेबाजी भी की। पीएम मोदी 18 दिसंबर को कर सकते हैं गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास। शाहजहांपुर में आयोजित हो सकता है कार्यक्रम। पहले फेज में मेरठ से प्रयागराज को जोड़ेगा ये एक्सप्रेसवे। चुनाव से पहले पूर्वी यूपी को पीएम मोदी का तोहफा, कल गोरखपुर में खाद कारखाने और एम्स का करेंगे उद्घाटन। करीब 10,000 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री के काशी दौरे से पहले वाराणसी में बीजेपी का स्वच्छता अभियान शुरू। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने झाड़ू लगाकर शुरुआत की। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान, बोले, समाजवादी पार्टी में जो आना चाहे स्वागत है, बीजेपी के लोग हमारे संपर्क में हैं लेकिन उन्हें हम शामिल नहीं करेंगे। जयपुर में अमित शाह की ललकार, कहा 2023 में राजस्थान में खिलेगा कमल, 2/3 बहुमत से बीजेपी बनाएगी सरकार। बीजेपी के पूर्व सांसद और भारतीय किसान यूनियन भानु गुट के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हरिनारायण राजभर ने 700 किसानों की मौत के लिए राकेश टिकैत को ठहराया जिम्मेदार। राजभर ने टिकैत के खिलाफ मामला दर्ज कर संपत्ति जब्त करने की है मांग। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा, हमारी पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस, बीजेपी और ढींसा की पार्टी से मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ेगी और जीतेगी। आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान का बीजेपी पर खरीद फरोख्त का आरोप, कहा बीजेपी के एक बड़े नेता ने फोन पर पूछा बीजेपी में आने के लिए कितने करोड़ लेंगे। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा का सिद्धू पर निशाना, बोले जो इमरान खान सुनना चाहते हैं सिद्धू वही बोलते हैं, सिद्धू का मकसद आईएसआई और पाकिस्तान को खुश करना है।
पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने दो दिन पहले कहा था भारत पाकिस्तान के बीच व्यापार खुलना चाहिए ताकि किसानों को फसलों का सही दाम मिले। नागालैंड में नाराज लोगों ने आगजनी और तोड़फोड़ की। गृहमंत्री अमित शाह, नागालैंड के मुख्यमंत्री और राज्यपाल ने घटना पर जताया दुख। आज टीएमसी का एक दल नागालैंड का करेगा दौरा। बारह सांसदों के निलंबन के मुद्दे पर विपक्षी सांसदों का संसद परिसर में प्रदर्शन। गांधी प्रतिमा के सामने प्रदर्शन कर निलंबन वापस लेने की मांग। संसद में आज सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के जजेस की तनख्वाह और पेंशन से जुड़े बिल होंगे पेश। साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन एनडीपीएस एक्ट में बदलाव के अध्यादेश के बदले नया बिल पेश करेंगे। राज्यसभा में आज महंगाई के मुद्दे पर होनी है चर्चा। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई सांसदों ने शॉर्ट ड्यूरेशन चर्चा का दिया नोटिस। उत्तर प्रदेश के मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि ईदगाह परिसर में जलाभिषेक की चेतावनी के बाद तनाव। शाही ईदगाह की तरफ जाने वाले सभी रास्ते बंद। सीआरपीएफ और रैपिड एक्शन फोर्स तैनात। मथुरा में धारा 144 लागू। अब मथुरा की बजाय आज दिल्ली में होगा अखिल भारतीय हिंदू महासभा का कार्यक्रम। लड्डू गोपाल का जलाभिषेक दिल्ली के जंतर मंतर पर करने का ऐलान। महासभा अध्यक्ष राजश्री चौधरी ने जल लेकर पहुंचने की अपील। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।